हाँ जी सत्यकाल गुड इवनिंग सभी को कैसे हो सभी लोग गुड इवनिंग एवरीवन सभी को गुड इवनिंग सभी को नमस्कार सच श्रीकाल सभी को और सभी का स्वागत है हमारी योधा सीरीज की क्लास के अंदर तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए उसके बाद शुरू करेंगे आज के सेशन को और ये सेशन डेली की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है और <coughs> डेली की तरह है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज भी तो एक बार जल्दी से मुझे ये बता दीजिए बेटा आवाज़ सभी को सही से आ रही है ऑडियो वीडियो एकदम ओके है जल्दी से थम्सअप कर दो फटाफट उसके बाद आज के सेशन को शुरू करेंगे जल्दी से आवाज बता दो बेटा एक बार चेक कर लो सर आप भी मोबाइल में चेक कर लो आवाज एक बार बता दो ओके है वीडियो ओके है उसके बाद शुरू करते हैं सेशन को मैं बहुत बढ़िया हूँ बलजिंदर कौर जी बहुत बढ़िया आप बताइए कैसे हो तैयारी बढ़िया चल रही है ना डीमोटिवेट तो नहीं हो जाते हो तुम बीच बीच में मोटिवेट रहा करो एनर्जेटिक रहा करो थोड़ा सा ठीक है ना पूरे जोश के साथ क्लास लगाया करो और जब भी इस क्लास में आते हो तो बस एक टारगेट लेकर आया करो कि आज सर हमें जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे ना आज सर हमें जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो हमारे सही होने चाहिए ठीक है ना बस ये टारगेट ले कर आया करो इस क्लास के अंदर ठीक है और पूरा पॉजिटिव तरीके से अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो भी नेगेटिव नहीं होना ठीक है तो भी नेगेटिव नहीं होना तो भी आपने ये सोचना यार गलत हो गया कोई बात नहीं यार सीख जाएंगे सीख जाएंगे सर हमें सिखा देंगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना ठीक है ओनली पॉजिटिव चलो जल्दी से सारे बच्चे एक बार आ जाइए फटाफट से शेयर कर दो क्लास को उसके बाद जैसे ही संख्या बढ़ती है अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को और इस क्लास का पीडीएफ आपको लेना है है ना उसका पीडीएफ आपको लेना है तो बेटा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो कई बच्चे ना जैसे भी एक बच्चे का फोन आया कि सर आपसे बात नहीं हो पाती है कॉल करते हैं हम ऑफिस में तो आपसे बात नहीं हो पाती है तो मेरे साहब मेरे से बात करने का देखो तरीका यही है कि आप यहां मैसेज कर दिया करो मेरे से बात करनी है कुछ भी तो मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगा ठीक है ना इस टेलीग्राम पे आप मुझे बात कर सकते हो कोई भी बात करनी है तो इस पर आप मुझे मैसेज कर दिया करो यहां मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा ठीक है यही सबसे अच्छा तरीका है मेरे से बात करने का फ़ोन पे तो क्या ही बात करोगे तुम लोग है ना चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका आठ बजकर तीन मिनट हो चुके हैं संख्या 102 हो चुकी है सारे के सारे बच्चे फटाफट से शेयर कर दो एक बार दबा के जल्दी से उसके बाद अपने सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का, का काम करेंगे और सभी बच्चों ने देखो पोल लगेगा तो पोल के अंदर सारे के सारे बच्चों ने आंसर जरूर करना है ठीक है ना आंसर जरूर करना है कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो क्लास में बैठा है लेकिन आंसर नहीं कर रहा ऐसा मत करना बेटा ठीक है आ जाइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ पहले क्वेश्चन जो है ना बेटा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है पढ़ना चाहते हो पढ़ लो आपकी मर्जी है पर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा यह पूछा गया है कि ये जो चार स्पेलिंग आपको दी हुई है ये जो चार स्पेलिंग आपको दी है इनमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है चलो एक बार सारे के सारे बच्चे जल्दी से आंसर बनाने का काम करें आज लेवल ठीक ठाक है मतलब क्या कह रहे हैं भाई सर आवाज फुल कर दो जी डीजे तो भी डीजे तो भी फुल कर दे ये ले बेटा वॉल्यूम घुमा देता हूं देख आवाज और ही है मेरी आ रही है कि और घुमाऊं थोड़ा सा ठीक है चलो जी नाइन डबल एट वाले नंबर पर व्हाट्सअप चलता है हाँ भाई चलता तो है तेरे को नंबर कैसे पता है पहले ये बता मेरा ठीक <laughs> है सुधीर हैरेसमेंट इज नॉट ओनली परसिवेबल एंड ओकेजनल इसमें बेटा आपको सिर्फ यहां देखिए आपको सिर्फ इनमें से आपको वर्ड बताने कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है क्लीग की स्पेलिंग गलत है हैरेसमेंट की स्पेलिंग गलत है ह्यूमर्स की स्पेलिंग गलत है या की स्पेलिंग गलत है जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए क्या आएगा जल्दी जल्दी सारे बच्चे फटाफट से आंसर करिए वेरी गुड बहुत बढ़िया देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है और सारे बच्चे पोल पे आंसर करो यार सॉरी के सॉरी बच्चे शेयर कर दो बेटा क्लास को दबा के शेयर संख्या पता है ना अपनी संख्या साढ़े तीन सौ वाली संख्या ही होनी चाहिए डेली क्लास के अंदर एक भी बच्चा क्लास से भाग गया ना तो देख लेना तुम ठीक है शेयर कर दो सारे के सारे बच्चे फटाफट से वेरी गुड बहुत बढ़िया तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड लिखा है वो लिखा है कलीग कलीग हम किसको कहते हैं कलीग हम कहते हैं बेटा पीपल हु वर्क विद यू ठीक है ना हां जी कलीग किसको कहते हैं पीपल पीपल हु वर्क विद यू यानी जो लोग हमारे साथ काम करते हैं आपके साथ काम करते हैं ठीक है उन्हें हम कलीग कहते हैं तो कलीग की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ह्यूमर क्या होता है ह्यूमर का मतलब देखो वर्ड तो होता है ह्यूमर वर्ड होता है ह्यूमर ठीक है ना लेकिन हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया ओ यू एस जोड़ दिया क्या जोड़ दिया ओ यू एस जोड़ दिया आप सभी को पता होगा कि जब हम ओ यू एस जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एडजेक्टिव और ओयूएस का मतलब क्या होता है फुल ऑफ यानी कि जिसमें फुल ऑफ ह्यूमर हो ह्यूमर हो ठीक है ना ह्यूमर का मतलब होता है बेटा कोई ऐसी बात जो आपको हंसाती है लाफ्टर विद लाफ्टर विद लॉजिक ह्यूमर का मतलब क्या होता है बेचा ह्यूमर का मतलब होता है लाफ्टर विद लॉजिक यानी कि कोई आपको हंसा रहा है लेकिन हंसाने के साथ साथ उस बात का कोई लॉजिक भी बनता है ठीक है उसे कहते हैं लाफ्टर विद लॉजिक यानी कि ह्यूमर्स ठीक है ये आपको मैं वोकैबलरी की क्लास में काफी बार पढ़ाता हूं कि ओ ओयूएस लगने से एडजेक्टिव बन जाता है पार्ट ऑफ स्पीच और ओ ओयूएस लगने का मतलब होता है फुल ऑफ ठीक है जी उसके बाद परसीवेबल की स्पेलिंग देखिए ये स्पेलिंग पेपर में ना बहुत आती है ऐसी स्पेलिंग जैसे डिसीव की स्पेलिंग रिसीव की स्पेलिंग है ना अब इनके अंदर क्या होता है देखो जहां पे देखो सी आता है ना जहां पे सी आता है जैसे सी ठीक है तो उसमें क्या होता है ई हमेशा पहले आता है आई हमेशा बाद में आता है लेकिन अगर सी के अलावा हो जैसे आपको लिखना है मान लो रिलीव लिखना है क्या लिखना है रिलीव रिलीव एक बार रिलीव की स्पेलिंग लिख के बताओ सारे बच्चे एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे रिलीव की स्पेलिंग लिख के बताओ क्या होती है लिखो लिखो सारे बच्चे लिखो जल्दी से रिलीव की स्पेलिंग क्या होती है फटाफट से मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को स्पेलिंग लिखनी आती है क्यों भाई आपके पेपर में एक क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट का आएगा सो आएगा और स्पेलिंग में ज्यादातर ऐसी स्पेलिंग पूछी जाती है सी के बाद जहां ई e आई आता है या एल के बाद जहां ई e आई आता है तो ऐसे स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है देखो एक बच्चे ने लिखी हिमांशु ने सबसे पहले लिखा तो रिलीव दिलजीत कौर भट्टी आपने तो गलत लिख दी बेटा स्पेलिंग आपने तो गलत लिख दिया अनमोल रावल ने सही लिखी है मुस्कान ने सही लिखी है तो देखो एल के बाद क्या लिखा आपने एल के बाद आपने देखो क्या लिखा ध्यान से देखो एल के बाद में पहले आपने आई लिखा है फिर आपने ई लिखा है तो ये लॉजिक समझ लो कि जब सी आता है तो उसके बाद ऐसा लिखा जाता है बाकी लेटर के बाद ऐसा लिखा जाता है तो ये स्पेलिंग भी सही थी तो गलत स्पेलिंग हमारी हेरेसमेंट की गलत थी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आएगा बाकी सारी स्पेलिंग हमारी बिल्कुल ठीक है परसीवेबल परसिव की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर तो हेरेसमेंट की स्पेलिंग में डबल आर नहीं आता बच्चे सिंगल आर आता है ठीक है इसलिए स्पेलिंग गलत थी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है और पहले क्वेश्चन को सही किया है 53% परसेंट बच्चों ने 53% परसेंट बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल सही है और ये परसेंटेज जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाएंगे परसेंटेज बढ़ना चाहिए ठीक है ना अभी मैं देखूँ तो एक बार मुझे दिखाना सर ऊपर पोल दिखाना एक बार अभी पोल पे हम देखें तो 141 वोट किया था मतलब 141 स्टूडेंट ने आंसर किया है जिसमें से 53 बच्चों का आंसर सही है 53 परसेंट बच्चों का आंसर सही है तो ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए और 141 संख्या नहीं जितनी संख्या आपको यहां लाइव में दिख रही है उतनी मुझे वॉट में भी दिखनी चाहिए और सारे बच्चे शेयर कर दो बेटा क्लास को जल्दी से संख्या भी बहुत कम है जल्दी से सारे बच्चे शेयर करो फटाफट से वेरी गुड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर दो में बेटा हमें बताना है ये जो यहां पे एक आपको अंडरलाइन करके एक एडियम दे रखी है एक एडीएम दे रखी है इस एडियम का आपको मीनिंग बताना है मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से आंसर बता दो लेफ्ट नो स्टोन ऑन टर्न इस एडियम का क्या मीनिंग होता है पढ़ाई भी हुई है बेटा पढ़ाई भी हुई है जल्दी से देखिए कहता है माई फ्रेंड्स सक्सीडेड बिकॉज कहता है मेरे दोस्त जो थे ना वो सफल हो गए सारे सफल हो गए सक्सीडेड हो गए बिकॉज क्योंकि लेफ्ट नो स्टोन टर्न इन देयर सर्च फॉर एन आंसर टू द प्रॉब्लम ठीक है तो आपको बताना है लेफ्ट नो स्टोन जो एक इडियम है इसका क्या मीनिंग होता है नमस्ते बेटा नमस्ते राजेंद्र जी नमस्ते सारे बच्चे जल्दी से आंसर करके बताइए लेफ्ट मतलब छोड़ना नो no स्टोन मतलब कोई भी पत्थर हमने छोड़ा नहीं है जिसको हमने टर्न ना किया हो इसका मतलब इसका मतलब हमने कोई पत्थर नहीं छोड़ा जिसको हमने टर्न ना किया हो मतलब हमने हर पत्थर को टर्न करके देखा कि किसी के नीचे कुछ है क्या कहीं से हमें कुछ मिल रहा है क्या तो यही चीज तो आप यहां कर रहे हैं यहां भी हम क्या कर रहे हैं एफर्ट लगा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भी अपनी लाइफ के अंदर क्या हो जाए सक्सीड हो जाए सफल हो जाए ठीक है ना तो इसका मतलब होता है क्या होता है प्रपोज गुड प्लान नहीं प्लान नहीं बनाने हैं उनको प्लान को इंप्लीमेंट भी करना होता है ठीक है ना आज तो अबोर वाले भी आ गए क्यों भाई रोज अबोर वाले नहीं आते क्या ठीक है लुकड इन डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग जगह पे देखना नाचीना ना। मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट यही तो चाहिए था ऑप्शन नंबर सी और नो सब्स्टिट्यूशन तो आएगा नहीं तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसम के लिए ठीक है कितने बच्चों ने सही किया वेरी गुड बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया 85 परसेंट बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया वेरी गुड बच्चों जब अच्छा करोगे तो अपने लिए अपने आप को ऐसे शाबाशी दे लिया करो वाह बेटा वाह ठीक है ना वाह बेटा वाह ठीक है हाँ नेम चलदा बेटा ना पहले अपनी आईडी के नाम से ही रखा करो तुम यार नेम चलदा कुछ नहीं आता है हाँ ना पता नहीं क्या क्या नाम रख ले तो आईडी का नाम तो सही रखो मैं इसको क्या बोलूँ नेम चलता अब मैं बोलूंगा नेम चलो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या ही बोल रहा है मास्टर बिगड़ गया मास्टर पता नहीं मास्टर क्या खा के आज हमारा ठीक है कहना सर मैंने एक ईयर हो गया जी तो क्लास लगाते हुए फिर मेरे छे सत नंबर आंदे टेस्ट चो जी मैं की करा बेटा तू ऐसा कर गांव के अंदर पीपल का पेड़ है ना उस पर जाके उल्टा लटक जा पैर ऊपर कर ले सिर नीचे कर लेना और सात दिन तक ऐसे ही लटका रहे ना तेरे नंबर बढ़ जाएंगे पक्की बात है ठीक है नहीं तो एक इलाज और है थोड़ी सी फिर पी लेना छिपकली के बर्फी खा लेना छिपकली वाली कोकनच वाली बर्फी खा गए उसको सेट हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से ठीक है आ जाओ तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीन पे चलते हैं अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है आज एक अच्छा क्वेश्चन लाए आपके लिए फिलअप का क्वेश्चन है सारे बच्चे जल्दी से शेयर कर दो बेटा क्लास को बेटा पढ़ाई कर ले यही इलाज होता है और क्या इलाज होता है मैं तेरे को कौन सा टूना टोटका बता दूंगा बता है ना कहता है दो अब देखो दो के बारे में पहले मैंने आपको काफी बार क्लास में बताया हुआ है कि जो दो वर्ड होता है ना ये वाला जो दो वर्ड होता है या फिर हमारी इंग्लिश में एक वर्ड होता है ओल दो ये दोनों क्या काम करते हैं ये दोनों हमेशा दो ऐसे सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं जो एक पॉजिटिव बात करेगा एक नेगेटिव बात करेगा यानी कि कॉन्ट्रास्ट बनाने का काम करते हैं ठीक है भाई कॉन्ट्रास्ट बनाने का काम करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं ठीक है भाई बात समझ में आ रही है सबको अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो क्योंकि फिलअप का क्वेश्चन है तो पढ़ना तो पड़ेगा बिना पढ़े तो होगा नहीं तो कहता है कि दो पीटर डैश इन द बिगनिंग बिगनिंग की स्पेलिंग को ध्यान से देख लो पेपर में बहुत पूछी जाती है बिगनिंग बिगनिंग की की स्पेलिंग स्पेलिंग लिख के बताओ सारे बच्चे की स्पेलिंग क्या होती है बी ई जी आई एन एन आई एन जी बिगनिंग की स्पेलिंग लिख लो सारे पेपर में आएगी ध्यान रखना कहता है कि जो पीटर था ना वो शुरुआत में तो पता नहीं क्या था हमें नहीं पता लेटर बाद में उसके दोस्तों ने क्या किया पार्टी उसको पार्टी में ज्वाइन करने के लिए क्या कर लिया अब आपके दिमाग में आया कुछ कि सर, हाँ, क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने उसको क्या कर लिया सॉरी oh, इसके दोस्तों ने क्या कर लिया उसको पार्टी में ज्वाइन करने के लिए मना लिया यही तो कहेंगे ना मना लिया ठीक है तो मनाने का मतलब क्या होता है अब देखो मनाने का मतलब होता है आज सुबह ही शायद हमने वो कैब के अंदर पढ़ा था यह पता नहीं कल पढ़ा था मुझे याद है प्रॉपर आपको एक वर्ड बताया था चलो उसको भी छोड़ते हैं एक बार तो देखो यहां पे सबसे पहला वर्ड है अडेमेंट अब अडेमेंट तो बेटा मैंने कितनी बार आपको पढ़ा दिया अडेमेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है जिद्दी है ना जिद करना किसी चीज को लेकर इसी के लिए हमने वर्ड पढ़ा था स्टबन स्टबन का मतलब जिद होता है ठीक है इसी के लिए हमने वर्ड पढ़ा था ऑप्स्टिनेट ऑप्सटीनेट का मतलब क्या होता है जिद्दी होता है हॉटी कह सकते हो एच ए यू जी एच टी वाई हॉटी का मतलब क्या होता है जिद्दी होता है ठीक है और भी बहुत सारे वर्ड है और रिजिट कह सकते हो रिजिट आर आई जी आई डी रिजिट का मतलब भी जिद्दी होता है ठीक है ना और रेजुलट कह सकते हैं रेजुल्योट रेजुल्योट का मतलब भी क्या होता है जिद्दी होता है बहुत सारे वर्ड है देखो वो क्या पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपको वर्ड कितने ही आने लग जाएंगे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिख दोगे है ना कैजोल वेरी गुड आज हमने पढ़ा था ना कैजोल वर्ड पढ़ा था का, काजोल जो है वो अपने अजय देवगन को मना रही थी राजी करवा रही थी कि मुझे भी विमल दिला दो ठीक है विमल दिला रही विमल एक पुड़िया दिला दो ना मुझे भी ठीक है तो एडेमेंट का मतलब समझ में आ गया कि पहले तो वो जिद्दी जिद कर रहा था कि वो नहीं जाएगा शुरुआत में तो लेकिन बाद में उसके दोस्तों ने उसको क्या कर लिया परस्यूडेड कर लिया परस्युडेड का मतलब होता है किसी को मनाना किसी को राजी करना है ना बहलाना फुसलाना ठीक है आपका दोस्त कभी कभी कहता है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा फिर हम उसे तरीके बताते हैं भाई देख पार्टी में जाएगा तो मैं ये कर दूंगा है ना वो कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं पीऊंगा क्या कुछ नहीं होता बेटा कुछ नहीं होता थोड़ी सी ले ले कुछ नहीं होता हम उसको मना लेते हैं मोटिवेट करते हैं लेकिन पढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं ना पढ़ाने के लिए मोटिवेट नहीं करते किसी को गलत काम किसी को करवाना हो तो मोटिवेट हम ऐसे मिनटों में कर देते हैं कोई कहेगा ना मैं नहीं पीऊंगा उसको हम बताते हैं कि बेटा पीने के फायदे होते हैं कुछ नहीं होता थोड़ी सी कड़वी लगेगी बाद में देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा है ना वहां मोटिवेट कर देते हैं हम पढ़ाने के मामले में मोटिवेट नहीं करते हैं किसी को इेजुलेट देखो रेजुलेट का तो मतलब हो गया जो जिद्दी है इर का मतलब जो जिद्दी नहीं है नहीं है ना इर रेजुलेट का मतलब जो जिद्दी नहीं है एडवर्स का मतलब

हाँ ना तो लड़कियों की आदत होती है भाई हमसे नहीं होता लड़के नहीं कर पाते बार्गेनिंग बार्गेनिंग करते हैं लड़कियां ठीक है सीधा जाएंगे इतना कॉन्फिडेंस के साथ जाती है भाई साहब कितने की है सो की दस में देनी है अरे भाई दस में सीधा सो का दस ठीक है आप कर सकते हो आप नहीं कर सकते ऐसा ठीक है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भैया हम यहीं तो आते हैं डेली यहीं से तो लेके जाते हैं भैया भूल गए क्या आप भैया कहता है भगवान का कुछ तो रहम कर मेरी बहन कल ही तो दुकान खोली है और तू कह रही है मैं रोज आती हूं ठीक है तो ऐसी होती है देख लो खतरनाक होती है नेगोशिएट करने में लड़कियां बड़ी खतरनाक होती हैं गारंटेड नहीं आएगा फोर्स नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए और ठीक है भाई और यही हमारा आंसर होगा यही हमारा आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे कितने तो बच्चों ने ए किया था सर बताओ तो एक बार जरा सा कितने बच्चों ने ए किया था इतने सॉरी मैसेज कर रहे हैं बच्चे ओ बाप रे बाप फिफ्टी सेवन परसेंट 57 परसेंट बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है लेवल आज बढ़िया है देखो ना ज्यादा इजी है ना ज्यादा टफ है मॉडरेट लेवल है ठीक है ना मॉडरेट लेवल है ठीक है बच्चों हाँ कह रहे टैलेंट होना चाहिए हाँ टैलेंट तो आपने कोट कोट के भरा हुआ है इतना कोट के भरा हुआ है कि बस टैलेंट ही दिख रहा और तो कुछ दिख ही नहीं रहा आपके अंदर ठीक है <laughs> चलो जी

करो 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 वेरी गुड वेरी गुड अभी संख्या बढ़ जानी चाहिए एक मिनट के अंदर अंदर आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा इसमें हमें एंटो बताना है पहले तो ये देख लो क्या बताना है एंटेनिम बताना है ओपोजिट वर्ड बताना है किसका बताना है बताना किसका है ये तो देखो वर्ड तो हाईलाइट किए नहीं ये लो मैं कर देता हूं प्रिकेरियस ये वाला जो वर्ड है इसका हमें एंटेनिम बताना है लो बच्चा बताओ सारे बच्चे अब ये नहीं बताया ना तो तुम्हें देख लो हाँ नाइल वाली चाय पिला दूंगा तुम्हें देख लेना अगर तुमने इसका आंसर नहीं बताया तो क्योंकि ये तो करवाया हुआ है वो कैब के अंदर अच्छे से है ना मैं बहुत अच्छे से मुझे याद रहते हैं वो कैबलरी मैंने आपको कौन सी करवाई है कौन सी नहीं करवाई है ठीक है ना इसलिए हाँ सियाने नहीं बनना सबने जल्दी से आंसर करो और बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बहुत कम करवा ले तो तुम बहुत स्याण लोग हो तुम तो पाँच सौ हाँ एक चार सौ वाले कोर्स के भी कहते हो सर इसमें भी कोई कूपन लगेगा हाँ मैं लगेगा बेटा इसमें पंद्रह सौ को कूपन लगेगा ग्यारह सौ रुप में तेरे घर आके दे जाऊंगा तुझे बड़े शिकारी लोग हो तुम यार का कोर्स है है सर इसमें इसमें कूपन कूपन लगेगा लगेगा मैं लगेगा? तो आ, मैं क्या वाला लगता घर आके दे जाऊंगा बाद में डाल देंगे चलो तो तो जल्दी से एक बार आंसर बताइए याद करो याद करो कोशिश करो दिमाग पे जोर डालो हाँ, बताना पर इसका एंटो है पर पहले इसका मीनिंग तो बता चले ना मुझे कोई एक आधा सिमिलर वर्ड तो लिख के बताओ जरा प्रिकेरियस का कोई एक आधा सिमिलर वर्ड तो लिख के बताओ ताकि मुझे पता चले आपको आता है कि नहीं आता है लिख दिया भाई अर्पण ने लिखा सबसे पहले बहुत बढ़िया बेटा हाँ देखो प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है बेटा आपको मैंने एक वर्ड कराया था पैरिल आपको एक वर्ड कराया था पैरिल ये वर्ड यहां लिखा भी हुआ देखो पैरिलियस पैरिलियस का मतलब क्या होता है जो चीज हमारे लिए क्या होती है हार्मफुल होती है जो चीज हमारे लिए क्या होती है हार्मफुल होती है इसी को हम बेलफुल भी कहते हैं क्या कहते हैं बेलफुल भी कहते हैं हार्मफुल भी कहते हैं ठीक है और क्या कहा था और एक वर्ड याद करवाया था याद करो कौन सा वर्ड याद करवाया था जल्दी बताओ हानिकारक डेंजरस हां क्या वर्ड याद करवाया था जल्दी बताइए जैसे पेरिलियस वेरी गुड सोनी कौर ने बताया जियो पार्टी जियो पार्टी वर्ड जो होता है इसका मतलब भी हमारे लिए कोई चीज कैसी होती है हार्मफुल होती है ये लिख सकते हो लेकिन हमें बताना था बेटा इसका ओपोजिट मीनिंग बताना था तो एलिवेटेड तो नहीं होगा एलिवेटेड का मतलब तो टू 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 ऐसे ऊपर जा रही है कोई चीज पैरिलेश का मतलब हानिकारक ये गलत हो गया वहां लिखा हुआ है ऑलरेडी तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा सिक्योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कितने बच्चों ने सही किया बताओ कितने बच्चों ने सही किया जल्दी जल्दी बताओ फैटल हो सकता है जियोपार्डी हो सकता है हैजर्ड हो सकता है क्या बात है कितने सारे वर्ड याद है देखो आपको है ना कितने सारे वर्ड याद हो आप देखो इतनी सारी वकैब अगर आपको आएगी तो क्या आपको लगता है आपका पेपर पास नहीं होगा भाई सब धड़ल्ले से पास होगा ठीक है धड़ल्ले से पास होगा अगर आपका नहीं होगा ना किसी का भी नहीं होगा जिंदगी में ध्यान रखना अगर आपका नहीं होगा फिर किसी का भी नहीं होगा जितनी इंग्लिश आप पढ़ रहे हो इतनी कोई पढ़ ही नहीं रहा है पूरे पंजाब के अंदर आसपास अपने जितने भी लोग हैं उनको जाके पूछो क्या वो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है जितनी आप पढ़ रहे हो आप तो बस ये मान लो कि आपके जितना कोई नहीं पढ़ रहा ठीक है हां जी लेकिन शेयर करो बेटा क्लास को जल्दी से एक बार 250 पे अभी गाड़ी अटकी हुई है आधी क्लास हमारी लगभग होने वाली है 20 मिनट हो चुके हैं जल्दी से शेयर कर दो एक बार सारे बच्चे फटाफट 100 बच्चे कम है क्लास में अभी यार 100 बच्चे कम है 100 बच्चों का मतलब तो भाई रेपुटेशन डाउन हो रही है अपनी जल्दी से शेयर करो सारे बच्चे फटाफट से और लाइक वाला बटन जिसने नहीं दबाया जल्दी से लाइक वाला बटन दबाओ फटाफट से हां जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें आपको बतानी है बेटा एरर तो बताओ जल्दी से एरर क्या है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है आज क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है ज्यादा टफ भी नहीं है ज्यादा इजी भी नहीं है ठीक ठाक लेवल है ठीक है चलो जल्दी से एक बार देखिए क्वेश्चन क्या है इफ द इकोनोमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट ठीक है अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं एक आसान तरीका है एक टफ तरीका है आपको मैं दोनों बता दूंगा ठीक है ना समझे बात को मैं आपको दोनों बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप आंसर करोगे तो बताऊंगा नहीं तो नहीं बताऊंगा ठीक है करो करो बेटा सारे बच्चे जल्दी से आंसर करने का काम कीजिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट मैं आपको दो तरीके बताऊंगा आसान भी टफ भी देखते हैं आप कौन से वाले तरीके से करते हो होगा होगा दीप और सिद्धू बेटा सब कुछ होगा पेपर भी क्लियर होगा फिजिकल भी क्लियर होगा सब कुछ होगा भगवान पे भरोसा रखा करो ठीक है ना अपनी मेहनत पे भरोसा रखा करो घबराते बहुत जल्दी हो तुम एक तो बहुत जल्दी घबरा जाते हो नहीं हुआ तो क्या हो गया बेटा यहां लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं जो दस दस साल से तैयारी कर रहे होते उनका नहीं होता बताओ है ना कोई दिक्कत नहीं है नहीं हुआ तो लेकिन हौसला नहीं हारना चाहिए ठीक है त्रिलोक सिंह बेटा पंप नहीं मारते आदत ही नहीं हमारी पंप मारने की पंप मारते तो यहां थोड़ी होते है ना आज मैं देख रहा था एक वीडियो देख रहा था तो आपने एक नाम सुना होगा विकास दिव्य कीर्ति सर का ठीक है बहुत बढ़िया टीचर हैं बहुत मतलब रिस्पेक्टेबल टीचर है मैं जिसको इंडिया में अगर मैं किसी को टीचर मानता हूं ना तो मैं उस बंदे को टीचर मानता हूं भाई वो टीचर है सच में ठीक है विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम सबने सुना होगा तो आज एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने अपनी एक वीडियो में बोली कि इंडिया के अंदर लोग टीचर बनना नहीं चाहते टीचर ही नहीं बनना चाहते लोग क्योंकि हम क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हो आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हो कोई पुलिस में जाना चाहता है कोई पटवारी में जाना चाहता है कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है कोई कोई किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है कोई इंजीनियर बनना चाहता है कोई डॉक्टर बनना चाहता है क्या कोई टीचर बनना चाहता है नहीं क्यों नहीं बनना चाहता उसका कारण है क्योंकि टीचर बनने के लिए बेटा आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है ठीक है ना टीचर आपके समाज में आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर मैं थोड़ा सा डांट दूंगा तो आप गाली पे उतर आते हो है ना थोड़ा सा डांट दिया थोड़ा सा मजाक कर लिया आप गाली गलोज पे उतर आते हो तो टीचर नहीं बनना चाहते हमारे देश के अंदर क्योंकि हमारे देश में टीचर को रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं मानते हैं ठीक है ना और जो मानते हैं वो कामयाब भी हो जाते हैं समझे बात को और जिस दिन आप देखो बाहर वाले देशों में उन्होंने बताया कि अमेरिका के अंदर कैनेडा के अंदर टीचर की बहुत वैल्यू है सैलरी के मामले में ले लो इज्जत के मामले में ले लो टीचर को बहुत वैल्यू देते हैं वो लोग क्योंकि भाई यहीं से तो सारा कुछ जाना है ना आप 270 लोग क्लास में बैठे हैं अगर मैं आपको कुछ गलत सिखाऊंगा तो गलत सीखोगे अगर मैं आपको सही सिखाऊंगा तो सही सीखोगे ठीक है ना तो बड़ा एक दायित्व होता है टीचर पर ठीक है तो इसलिए बात माना करो फॉलो किया करो और पढ़ने पर ज्यादा फोकस किया करो बातों पर कम ठीक है कहता है इफ द इकोनॉमी फेल्स इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट देखो पहला आसान तरीका बताता हूं आसान तरीका क्या है ठीक है आसान तरीका तो ये था कि सर ये इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आने वाली सर वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी आपको अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेटा कि गलती हमारी इस पार्ट के अंदर है गलती हमारी इस पार्ट में है यानी आंसर हमारा सर बी आना चाहिए दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए ठीक है जी आंसर आपका बी आ गया सिक्सटी फोर परसेंट बच्चों ने आंसर बी किया भी है लेकिन ये जो करेक्शन आपने की है ना ये करेक्शन आपकी गलत है क्यों गलत है अब वो सुन लीजिए हाँ एरर तरीका सही है एरर आपने ढूंढ ली कि हाँ गलती तो आपको दिख रही है लेकिन करेक्शन आपकी गलत है अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करते हो क्योंकि बेटा यहां पर प्लस, प्लस फर्स्ट फॉर्म ये होती है हमारी प्रेजेंट की कंडीशन याद है सभी को प्रेजेंट की कंडीशन ठीक है ना तो प्रेजेंट की कंडीशन का रिजल्ट क्या होता है बच्चे है ना प्रेजेंट की कंडीशन का रिजल्ट क्या होता है इसमें आएगा बेटा सब्जेक्ट आएगा साथ में आएगा विल या शैल और साथ में आ जाएगी verb की फर्स्ट फॉर्म ये वाला रिजल्ट हमें चाहिए था तो इसलिए यहां हम लिखेंगे इट विल रिफ्लेक्ट ये इसकी करेक्शन है लेकिन हमें देखो अभी एरर बताना था करेक्शन तो हमें करनी नहीं थी तो एरर हम दोनों तरीके से बता सकते हैं कि सर ये जो आपने पहला तरीका बताया था इससे भी हमें समझ में तो आ रहा है कि गलत है ठीक है ना और अगर ये वाला तरीका आता है तो देन बेटर है आपको ये भी चीजें आती हैं ये भी समझ में आ रहा है आपको ठीक है तो जो भी तरीके से करो आंसर हमारा बी ही आएगा ठीक है बच्चों तो लगभग लगभग सारे बच्चों ने कर भी लिया था आंसर और 65 परसेंट तक बच्चों का आंसर सही भी आ रहा था बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है बेटा सभी को जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दो फटाफट से और शेयर कर दो बेटा तीन हुए नहीं अभी साढ़े तक जाना है अपने को जल्दी से शेयर करो सारे के सारे बच्चे और डेली जो बच्चे आते हैं वो डेली आया करो बेटा डेली आया करो ऐसा नहीं है एक दिन क्लास लगा ली फिर नहीं लगाई फिर लगा ली देखो मैं छुट्टी नहीं कर रहा हूं मैं संडे को आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका रूटीन ना टूटे ठीक है ना मैंने अपने दो तीन प्रोग्राम भी कैंसिल किए हैं इसी वजह से ताकि मेरा क्लास में रूटीन ना टूटे ताकि मैं एक दिन छुट्टी कर लूं तो बच्चों को ये ना लगे यार सब तो छुट्टी मार गए खुद तो है ना इसलिए मैं देखो डेली आ रहा हूं तो आपको भी डेली आना है क्लास के अंदर वादा करो मेरे से कि जितने बच्चे क्लास में बैठे हो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपने क्लास डेली लगानी है ठीक है बच्चों हाँ, मैं छुट्टी करूंगा तो किसी अगर कोई बहुत बड़ा रीजन हुआ कि हां नहीं करनी ही पड़ेगी तो कर सकते हैं नहीं तो मैं छुट्टी नहीं करूंगा ठीक है आप भी नहीं करोगे बंदीप कौर कह रहे हैं कि समझ में ही नहीं लगा बेटा समझ क्यों नहीं लगा देखो मैं आपको दोबारा बताता हूं कि देखो सिंपल रीजन तो यह है कि इट बेटा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहां सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी एस लगना चाहिए था ये समझ में आ गया ये तो बहुत सिंपल सी बात है ठीक है अगर ये भी समझ में नहीं आया तो आप बेटा ये देखो कि ये इफ वाली हमारी कंडीशन है और ये कंडीशन कौन से टेंस में चल रही है ये कंडीशन चल रही है बेटा प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन से टेंस के अंदर प्रेजेंट में क्योंकि यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो प्रेजेंट हो गया तो इसका जो रिजल्ट होता है ना उस रिजल्ट के अंदर आता है सिंपल फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का मतलब सब्जेक्ट आएगा विल या शैल आएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसलिए हम ये लिखेंगे इट विल रिफ्लेक्ट ये लिखना था बस नॉर्मल चीज है ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हां चला दो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट शेयर करो बेटा सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स अब देखिए नंबर सिक्स में एक आपको सेगमेंट दिया हुआ है यहां पे इसके अंदर आपको ना करेक्शन करनी है तो आप मुझे बताइए कि ये जो लाइन लिखी हुई है रिवील्ड दैट बोथ ऑफ दे इसकी करेक्शन बेटा क्या होगी जल्दी से आंसर बताओ सारे बच्चे पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आराम से उसके बाद आंसर कीजिए और लाइक वाला बटन दबाते रहो बेटा साथ साथ में बेटा जीडी डी जसवीर कौर बेटा जीडी का भी इसी में कवर हो जाएगा ठीक है जीडी का भी इसमें कवर हो जाएगा टेंशन लेने की बात नहीं है सारी इंग्लिश यही होती है टेंशन मत लो बिल्कुल भी ठीक है कौन कौन छट गया अभी मुझे क्या पता भाई क्यों छोड़ के है? ठीक है द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट बोथ ऑफ दे हैड गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन टू ऑपटेन द सर्टिफिकेट जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा फटाफट बता दू करो 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 वेरी गुड वेरी गुड क्या आंसर आना चाहिए हम्म अब देखो ये चीज मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हुई है अगर आपने ध्यान से सुना हो कभी मेरी बात को तो मैंने जब बेटा प्रोनाउन का टॉपिक आपको कभी भी करवाया होगा प्रोनाउन का टॉपिक जिस दिन भी मैंने आपको क्लास में करवाया होगा तो उस दिन मैंने आपको ये बात जरूर बताई होगी कि बेटा जब भी हम किसी प्रेपजिशन लिखते हैं जब भी हम इंग्लिश में कोई प्रेपजिशन लिखते हैं और प्रेपजिशन के बाद अगर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो ये जो प्रोनाउन बेटा हम यूज करेंगे ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए इसमें आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए समझे बात को मेरी ठीक है ये चीज मैं आपको बताता होता हूँ बहुत बार ठीक है तो आप देखिए यहां पे ये ऑफ बेटा हमारी प्रेपजिशन है और प्रेपजिशन के बाद दे जो है ये कौन सा केस है ये तो सब्जेक्टिव केस है सर तो यहां पे दे नहीं आना चाहिए देम आना चाहिए क्या आना चाहिए देम बोथ ऑफ देम अब ऐसा ऑप्शन हमारे पास ए की था ये वाला इसलिए हमारा राइट right आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कितने बच्चों ने सही किया वेरी गुड देख लो 82 परसेंट स्टूडेंट का आंसर सही है मतलब आज तुम सारे होश में लग रहे हो मुझे ठीक है आज तुम सारे होश में लग रहे हो कई बार तो तुम इतने आसान आसान क्वेश्चन गलत कर देते हो क्या ही कहने होते हैं तुम्हारे ठीक है 82 परसेंट बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है लॉजिक मैंने आपको यहां समझा दिया है मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि उसका रीजन आपको मैं साथ के साथ बता दूं कि इसमें गलती क्या है ठीक है बेटा हिमांशु बफरिंग नहीं हो रही है मेरी साइड से कोई बफरिंग नहीं है एवरीथिंग इज फाइन आपका नेट खत्म हो गया होगा इसलिए दिक्कत आ सकती है बाकी किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही क्लास के अंदर बेटा बता देना और शेयर कर दो बेटा तीन हुए नहीं अभी जल्दी से शेयर करो वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सेवन चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको ना एक वर्ड दिया हुआ है यहां पे देखिए एरी क्या वर्ड दिया हुआ है एरी वर्ड दिया हुआ है एरी ठीक है इसका हमें एंटीनिम बताना है क्या होगा चलो एक बार गैस करो सारे बच्चे फटाफट से एक बार सारे के सारे बच्चे गैस करो जल्दी से लिखा क्या है माई होम इज अ टू स्टोरीड बिल्डिंग स्टोरी एक होता है स्टोरी ये वाला इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था वो कहानी वो कहानी होती है स्टोरी और एक होता है स्टोरी की स्पेलिंग बेटा ये वाली इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखो एस टी ओ आर ई वाई ये स्टोरी होती है मंजिल कि आपका घर कितनी मंजिल है कितनी स्टोरी है उसे मंजिल ये वो मंजिल नहीं है हाँ दूसरी मंजिल से ठीक है, है फ्लोर जिसको कहते हैं फर तो ये कहता है कि माई होम मेरा जो घर है वो कैसा है टू स्टोरी बिल्डिंग है विद सिक्स एनरोम्स एंड एरी रूम्स जिसके अंदर छह बड़े बड़े एनरोम्स का मतलब इसको uh, 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 कहते हैं कि बिग इन साइज ठीक है और एरी रूम्स है एरी रूम्स का मतलब हवादार कमरे हैं, खुले डे कमरे हैं, हवादार वाले कमरे हैं ठीक है उसको कहते हैं एरी रूम्स ठीक है फिर कहता है विद अ स्पेशियस एंड स्टफी ड्राइंग रूम और उसके अंदर क्या है स्पेशियस तो है काफी जगह भी है उसके अंदर स्पेस भी काफी है लेकिन स्टफी है स्टफी समझते हो स्टफ जैसे आप आलू समोसा बनाते हैं तो समोसे में आलू डालते हैं है ना तो आलू को हम क्या कर रहे हैं स्टफ कर रहे हैं भर रहे हैं ठूस रहे हैं उसके अंदर ठीक है स्टफ करना तो देखो एरी मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई कमरा है अब मैं इसको कहता हूं बेटा ये एरी है तो मतलब खुला है हवा हुआ आ रही है बढ़िया इसके अंदर से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एरी है इसको हम ड्रॉइंग तो इसका ऑपोजिट बिल्कुल नहीं लिखेंगे और स्पेशियस भी नहीं लिखेंगे ठीक है एंटो बताना था ना एंड रॉम्स का मतलब बिग इन साइज हो गया ये भी नहीं लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टफी आ जाएगा एक तो वो कमरा जो खुला डुला है और एक वो कमरा जिसके अंदर हमने काफी सारा सामान भर रखा है ठीक है काफी सारा सामान हमने भर रखा है स्टफ कर रखा है उसको भर रखा है ठीक है ना तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा बेटा स्टफी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कितने बच्चों ने सही किया वेरी गुड सिक्सटी नाइन परसेंट बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल सही है शाबाश बच्चों ठीक है लास्ट में सभी ने अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आज कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ठीक है और साथ साथ में सीखने की इच्छा रखा करो डिजायर आपकी हमेशा क्लास में यह होनी चाहिए कि चलो आज इस क्लास में से कुछ नया सीख के जाएंगे ठीक है ना चलो जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर एट पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे चलो एक बार सारे के सारे बच्चे इसका आंसर बनाने का काम करो मैं पहले ही बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना तो बड़े बड़े इसको गलत कराते हैं ध्यान रखना इसलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से करना चलो सारे बच्चे आंसर बनाने का काम करो फटाफट से और कमेंट के अंदर बेटा चैटिंग मत किया करो कितनी बार का है हिमांशु कितनी बार का है बेटा हिमांशु है पढ़ लेना बेटा क्यों चैटिंग कर रहे बर्बाद हो जाएगा देख पढ़ाई के टाइम पढ़ाई किया करो सिर्फ करो करो बेटा आंसर करो सारे बच्चे जल्दी से क्या आंसर आएगा हाँ पोल पे आंसर जरूर करना है पोल पे आंसर आपने जरूर करना है सभी ने ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आता था और कितनों को नहीं आता है। जितने भी बच्चे आ चुके हैं सारे बच्चे पोल पे आंसर करें और क्लास को शेयर करते रहें बेटा क्लास को शेयर कर दो सारे बच्चे फटाफट से बच्चे कम हैं आज क्लास के अंदर अभी भी 40-50 बच्चे हमारी क्लास में कम हैं जल्दी से शेयर कर दो सारे बच्चे वेरी गुड और टाइम से आया करो बेटा क्लास का टाइम हमारा आठ बजे है तो आठ बजे क्लास में पहुंच जाया करो सारे जने अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है सर आप क्यों कह रहे हो टफ है तो बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनना देखो क्वेश्चन में लिखा है शी सेड शी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स अब आपको पता होगा बेटा जब हम नरेशन बनाते हैं यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ठीक है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपने एक बात देखी होगी कि अगर हमें यहां मॉडल दिया होता बेटा विल अगर हमें मॉडल दिया होता विल तो विल को हम किस में चेंज कर देते वुड में चेंज कर देते अगर हमें दिया होता शैल तो शैल को हम किस में चेंज करते शुड में चेंज कर देते ठीक है बेटा अगर हमें दिया होता कैन तो कैन को हम किस में बदल देते कुड में बदल देते अगर हमें दिया होता मे तो मे को किस में बदल देते माइट में बदल देते ये तो सर समझ में आ रहा है ये तो हमें याद भी है समझ भी आ गया लेकिन सर अगर मस्ट आ जाए तो फिर हम इसे किस में बदलेंगे अब कई बच्चों ने मस्ट का मस्ट लिखा बी वाला आंसर तो कई बच्चों ने मस्ट को मस्ट लिखा अब इन सभी का आंसर क्या हो गया बच्चे गलत हो गया सभी का आंसर गलत हो गया 83% परसेंट बच्चों का आंसर गलत है आप बात समझ में आई आपको 83% परसेंट बच्चों का आंसर गलत है अब क्यों गलत हुआ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना पेपर में आएगा ये क्वेश्चन नोट कर लो और वहां गलती मैंने ही करके आनी है ठीक है देखो बेटा क्या होता है मस्ट जब भी आता है ना मस्ट से जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मस्ट तीन तरीके से चेंज होता है ध्यान रखना मस्ट को तीन तरीकों से चेंज किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ध्यान से देख लेना सामने अगर बेटा कोई ऐसी बात लिखी हो जो प्रेजेंट की हो किसकी हो प्रेजेंट की प्रेजेंट में शुरू हुई प्रेजेंट में खत्म हो जाए तो हम मस्ट को तो हम मस्ट को बेटा किस में चेंज करते हैं मस्ट को चेंज करते हैं हैड टू में किस में चेंज करते हैं हैड टू में ठीक है ना अगर कोई प्रेजेंट की बात है प्रेजेंट की प्रेजेंट में रह गई वो मस्ट किस में चेंज हो जाएगा हैड टू में ठीक है अगर कोई बात है जो प्रेजेंट में भी भी है है वो पास्ट को भी शो कर रही है और साथ ही साथ वो फ्यूचर को भी शो कर रही है मतलब फ्यूचर में भी जा रही है ठीक है तो हम मस्ट को मस्ट ही लिखते हैं उसको चेंज नहीं करते हैं ठीक है बच्चे अगर मस्ट इशारा कर रहा है आपका फ्यूचर की तरफ अगर आपका मस्ट बेटा इशारा कर रहा है फ्यूचर की तरफ तो हम इसे लिखते हैं वुड हैव टू क्या लिखते हैं वुड हैव टू फिर हम इसको इसमें बदलते हैं ठीक है बच्चों ध्यान से देखना मेरी बात को अब देखो क्वेश्चन क्या था कहता है शी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स ठीक है शी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स ठीक है बेटा मस्ट को अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहां बात करूं तो बेटा ये बात जो है कि उसको क्या करना चाहिए बैड हैबिट छोड़ देनी चाहिए तो छोड़ देनी चाहिए मतलब बात खत्म इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे बेटा इसे हम चेंज कर देंगे किसमें इसे हम चेंज कर देंगे किसमें हैड टू में ये बैड लिखा हुआ है गलत है बेटा ये हैड होना था हमारा टाइपिंग वाला गलत कर गया हैड टू होना था ये ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अब एक बात देखना ध्यान से देखना क्वेश्चन बताता हूं एक क्वेश्चन बताता हूं अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा लिखा होता वो लिख दे शी सेड शी सेड वन मस्ट वन मस्ट ओबे वंस ड्यूटी अब ये क्वेश्चन है ठीक है कि हर किसी को अपनी क्या करनी चाहिए ड्यूटी को ओबे करनी चाहिए तो ये बात प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रही है अगर है ना या पास्ट में भी है तो भी उसको करना चाहिए अगर फ्यूचर में है तो भी उसको करना चाहिए है ना ये काम सबको करना चाहिए तो हम इसको मस्ट का मस्ट रख सकते हैं लेकिन जो बात प्रेजेंट में ही खत्म हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं ध्यान रखना तो आपका ऑप्शन बेटा ये आएगा ऑप्शन नंबर सी गलत हो गई आपने ठीक है यहां पे हैड टू आना चाहिए था ठीक है मिस प्रिंटिंग भी था इसके अंदर बैड लिखा हुआ था हैड आना चाहिए था ओके चलिए अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बता दूं अगले क्वेश्चन पर कि ये वाला जो हमारा टाइम टेबल है सुबह आठ बजे वोकैब की क्लास के साथ शुरू होता है कल भी हम वोकैब पढ़ेंगे धांसू वाली रीजनिंग की क्लास होती है नौ बजे उसके बाद मैथ्स की इसमें शायद कुछ चेंजेस भी हुए हैं क्लास का पता नहीं मुझे मैथ्स की साढ़े चार बजे ये तो होती होती है जीके की साढ़े पांच पंजाबी की सवा छ बजे और रीजनिंग की सात बजे इंग्लिश की आठ बजे मैथ्स की करंट अफेयर की दस बजे ये सारी क्लासेज होती है इक्कीस दिसंबर से हमारा नया बैच भी शुरू हुआ है जिन बच्चों ने डेमो लगा लिया है तो बेटा आप अपना कोर्स बाय कर लीजिए फटाफट से तैयारी शुरू कर लीजिए बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं तो कूपन कोड आपको यूज करना है ए सी तीन सौ छिहत्तर ये वाला कूपन कोड लगाओगे आपको पंद्रह सौ रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पे आप ले रहे हो ये वाला कोर्स तो इस पर पंद्रह सौ का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ठीक है बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है कौन सी स्पेलिंग गलत है जल्दी से एक बार सारे बच्चे आंसर बनाने का काम करो फटाफट से और लाइक शेयर करते जाओ बेटा लाइक शेयर सारे के सारे बच्चे कर दो संख्या तीन सौ हो गई थी अब थोड़ी सी कम हो गई है दो बच्चे कम हो गए हैं हाँ टाइपिंग वाले ने गलत करा दीता कोई बात नहीं बेटा ठीक है चलो एक बार जल्दी से सारे बच्चे शेयर कर दो क्लास को और आंसर कीजिए इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है वो आपकी इनकरेक्ट है फटाफट बताइए क्लीमेंसी की अवेरियस की हैजी मनी की या नोस्टेलिजिक इसमें यार आज बहुत गलतियां की इसने टाइपिंग वाला हमारा ना इसको डांट मारनी पड़ेगी नोस्टेलिजिक होता है जी आएगा बेटा यहां पर नोस्टैलिजिक ये प्रिंटिंग मिस्टेक है नोस्टेलिजिक वाली तो ठीक है जिक का मतलब पता है ना कि जब आपको किसी पास्ट की याद आती है जब आपको अपने पास्ट की याद आती है तो उसे नोस्टैलोजिक कहते हैं ठीक है ना आप पीजी में रहते हैं आपको घर की याद आती है तो आप कैसा फीलिंग करते हैं नोस्टैलोजिक फीलिंग करते हैं ठीक है तो जी आएगा बेटा इसमें गलत हाँ स्पेलिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है ये वाली तो हैजी मनी का मतलब पता है ना जिसके पास पैसा होता है वो कैसा पर्सन होता है लीडरशिप लीडरशिप कहते हैं बेटा इसको ठीक है ना लीडरशिप या डोमिनेट करना लीडर बनना उसको हैजी मनी कहते हैं काफी बार ये वर्ड आपको पढ़ाया हुआ है मैंने कि जिसके पास पैसा हैगा पैसा हैगा ठीक है है पैसा तो वो बंदा क्या बनता है लीडर बनता है ठीक है उसके बाद आ, क्लीमेंसी क्लीमेंसी का मतलब होता है मर्सी गाना सुना है प्लीज मर्सी ऑन मी सुना है बादशाह का गाना है प्लीज मर्सी ऑन मी मर्सी का मतलब होता है किसी पर दया करना काइंडनेस दिखाना क्या दिखाना काइंडनेस दिखाना उसे कहते हैं मर्सी ठीक है और एवरेशियस की स्पेलिंग बेटा यहां गलत है तो सारे बच्चे एक बार एवरेशियस की स्पेलिंग लिख के बताओ मुझे फटाफट से सारे के सारे बच्चे जल्दी से एक बार एवरेस की स्पेलिंग लिख के बताओ इसका मीनिंग मैं बता देता हूं स्पेलिंग आप बता दो इसका मीनिंग होता है ग्रीडी ग्रीडी डॉग कहानी सुनी आपने लालची कुत्ता ठीक है तो लालची टाइप का जो पर्सन होता है एवरेशियस तो जल्दी से स्पेलिंग लिख के बता दो सारे बच्चे इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है आंसर देखो ए को मिले हैं ट्वेंटी आपका परसेंट आपका देखो कंपटीशन कैसे चल रहा है ए को मिले हैं ट्वेंटी हैं थर्टी परसेंटेज तो देखो अपना एक बार आपका कंपटीशन कितना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है चारों ऑप्शन में कॉम्पिटिशन चल रहा है कोई ए बोल रहा है कोई बी बोल रहा है कोई सी बोल रहा है कोई डी बोल रहा है ठीक है चलो ये बड़ा सा कमेंट क्या आ रहा है बार बार ये दिखाना मुझे एक बार जसबीर कौर कह रहे कि सर जी इन्ना बैच लग गया सी तो सी नहीं भी कराया करो क्लास रात वाली प्रैक्टिस करिए मैं कर रहा था वो काम सोचो जो ना थे सर जी सर बैच लगाए तो सी वो भी करो क्लास प्रैक्टिस समझ में नहीं आया मुझे इन्ने बैच लगाए तो चलिए एवरेशियस की स्पेलिंग हाँ रानी ब्लीम ने बिल्कुल सही लिखी है जसलीन बराड़ ने भी लिखी है तो सबने देख लो बेटा एवरेशियस की स्पेलिंग लिखी हुई है तो यही स्पेलिंग हमारी गलत थी तो राइट आंसर बेटा बी आना था तुक्के मारने पे लगे रहते हो इसको भी गलत बता रहे हैं 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 आपका कॉम्पिटिशन देखो चारों ऑप्शन के अंदर चल रहा है आपका एक पच्चीस परसेंट एक पच्चीस चौबीस परसेंट एक बाईस परसेंट एक तीस परसेंट इतना टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है आपका चारों ऑप्शन के साथ कमाल करते हो पांडे जी ठीक है चलो जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर यहां पे आपको एक प्रेपजिशन नजर आ रही है बीच में देखो ये वाली आपको बताना है इस प्रेपजिशन की जगह पर हम इनमें से कौन सी प्रेपजिशन का यूज कर सकते हैं अब ये क्वेश्चन तो बेटा मैंने आपको करवाया हुआ है इसमें गलती अगर कर दीना नाक पे मुक्का मार दूंगा ध्यान रखना और यहीं कैमरे से मारूंगा बिल्कुल ठीक है जल्दी से एक बार आंसर बताओ सारे बच्चे ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है बताए हुए क्वेश्चन गलत मत किया करो यार तुम लोग इतने आसान आसान क्वेश्चन गलत कर देते हो तुम बताओ जल्दी से सारे बच्चे आंसर करने का काम करो शेयर कर दो बेटा लाइक अभी 210 हैं बच्चे 300 से ऊपर हैं तो 90 सौ लोग तो लाइक ही नहीं करते हैं क्लास में आके देखो हाँ 40-45 मिनट में क्या बेटा तू लगाए मत कर क्लास 40-45 मिनट भी बचा पेपर है तो पढ़ाई करो ये 40-45 मिनट भी मत लगाओ आज तो यार बहुत धीरे चल रहे हैं अपने जल्दी जल्दी करो आंसर जल्दी जल्दी आंसर करो तो देखो मैंने बेटा आपको कितनी बार ये चीज पढ़ाई है क्लास के अंदर कि एंग्री जो वर्ड होता है ये अपने साथ दो तरह की प्रेपजिशन लेता है एक तो ये लेता है अपने साथ एट का यूज और एक ये लेता है अपने साथ विद का यूज अगर आप नाराज हैं किससे अगर आप नाराज हैं अपने बाबू सोना से यानी कि किसी पर्सन से समवन से तो हम लगाते हैं विद का यूज और अगर आप नाराज हैं किसी चीज से उसकी हरकतों से नाराज हैं तो क्या लगाओगे एट लगाओगे तो यहां पे राजेश नाम का बंदा किससे नाराज है खुद से एंग्री है खुद से गुस्सा है ठीक है खुद से गुस्सा है तो इसका मतलब पर्सन है ना ये कोई और पर्सन के लिए क्या लगता है बेटा विद लगता है तो राइट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इतने बच्चों ने सही किया है वेरी गुड चलो गालियां खाने से बच गए तुम लोग 85 परसेंट बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है चले आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर ग्यारह वन वर्ड का क्वेश्चन है जल्दी से आंसर बताओ सारे बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर बताइए अस्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन बिना प्रेपरेशन के बिना तैयारी के जो स्पीच दी जाती है उस स्पीच को क्या कहेंगे जल्दी जल्दी आंसर बता दो सारे बच्चे फटाफट से करो करो आंसर करो फटाफट से वेरी गुड दबा दिया करो फटाफट से आंसर कर दिया करो टाइम मत लगाया करो बिल्कुल भी हां जी स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन बिना तैयारी के जो स्पीच दी जाती है उसे क्या कहेंगे जल्दी जल्दी से आंसर बता दो बेटा मुक्का मारे नाक पर क्यों मारे भाई मुक्का नाक पे सबने सही आंसर दिया है गलत करते तो मारते ना आपने गलत किया ही नहीं सबने सही किया बिल्कुल ठीक आंसर है सबका वेरी गुड तो देखो वर्ड है एक्सटेम रेहोट्रिक डेलिब्रेशन स्पॉन्टेनियस ठीक है तो देखो आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा लेकिन सारे के सारे मीनिंग भी आपको बताऊंगा एक एक करके सारे मीनिंग सुनते जाना तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास दैट इज स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेटा नेचुरल चीजें जो चीजें कैसी होती है नेचुरल होती हैं ठीक है नेचुरल है? होती हैं इन बाय बर्थ होती हैं तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस डेलीबरेशन का मतलब होता है विलिंग uh, फुल ठीक है विलिंगफुली मतलब जो इस काम को आप अपनी इच्छा से करते हैं याद आपको मैंने एक एडियम पढ़ाई थी कोल्ड मर्डर याद है बेटा कोल्ड मर्डर ऐसा ही था है क्या था कोल्ड मर्डर था क्या कुछ और था कोल्ड मर्डर था कोल्ड ब्लड था सॉरी मर्डर तो इसका आंसर था कोल्ड ब्लड ठीक है कोल्ड ब्लड का मतलब देखो गुस्सा गर्म हो खून गर्म हो तो हर कोई मार देता है कोल्ड ब्लड का मतलब जान बोझ मारी मारा गया डेलीब्रेटल डेलीब्रेटली मारा गया किसी को उसे कोल्ड ब्लड कहते हैं ठीक है थीके? तो डेलीब्रेशन का मतलब होता है विलिंगफुली उसके बाद रेहोट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चे रेहोट्रिक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है आ, इसको बोलते हैं मेटाफोर मेटाफोर मतलब व्यंग्य करना किसी पर जैसे मान लीजिए आपने किसी को कई बार ऐसे कुछ कमेंट कर देते हैं कि सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ हो जाता है जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि सर इंग्लिश नहीं आ रही क्या करूं मैंने कहा जाके पीपल के पेड़ के ऊपर लटक जा है 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 ना ना तो ये क्या है? ये क्या एक व्यंग ये है, एक व्यंग्य मतलब मैंने उसको इस तरीके से बोल दिया ठीक है तो ये चीजें जो होती है ना इसको कहते हैं क्या रहोट्रिक किसी पर्सन को ऐसे बात करना ताना मार के बात करना ठीक है ना तो आग, आंसर क्या आएगा बेटा आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो देखो इसमें वर्ड को अगर आप तोड़ के देखोगे तो उसमें वर्ड है एक्स एक्स का मतलब होता है आउट जो हमारी जिंदगी से चली जाती है चीजें उसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्स की वैल्यू तो पता है ना आप सभी को ठीक है जीरो होती है हाँ जो चला ही गया जिंदगी से उसकी वैल्यू जीरो ही तो होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होती है जीरो एक्स का मतलब जो हमारी जिंदगी से चला गया और दूसरा वर्ड इसमें बसता है टैम्पर टेम्पर का मतलब होता है बेटा टाइम क्या होता है टाइम जिस चीज को हमने करने में कोई टाइम नहीं लिया उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बोलो तारा तारा ठीक है जी आ जाइए अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन आ गया हमारा हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन पैरा जंबल का क्वेश्चन हमारा फेवरेट क्वेश्चन तो जल्दी से इसका आंसर बना दो आपके पास एक मिनट का टाइम है आपके पास एक मिनट का टाइम है जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर बनाने का काम करो फटाफट से ये लो भाई साहब ये लो भाई साहब आपका टाइमर आ गया है करो जल्दी जल्दी से पी क्यू आर एस का क्वेश्चन सभी बच्चों ने करना है जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं सैम कौन है बेटा ये कौन कर रहा है ये स्पैमिंग इसको कॉकरेच वाला सूप पिला दो ये जो स्पैम कर रहे हैं ना कॉकरच वाला सूप पिला दो इसको कर दो तो, कर दो तो, स्पैमिंग करो उसको ब्लॉक कर दिया करो उसी टाइम कोई बात नहीं तीन चार घटेंगे कोई दिक्कत नहीं है नहीं। करो बेटा आंसर करो सारे बच्चे जल्दी से टाइम खत्म होने वाला है एक मिनट का टाइम है आपके पास सिर्फ हाँ समझा देते बेटा तुम ध्यान ही क्यों देते हो उसकी तरफ ध्यान मत दो आप ये कमेंट करते हो ना बार बार तभी ये लोग बार बार लिखते हैं फिर चलो जी तो टाइम समाप्त होता है आपका आ जाइए अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था मैं आपको बताता हूं देखिए कहता है आवर हैव लिटिल जस्ट इफ वी एंगेज इन दैम इन सॉलिट्यूड फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरी ठीक है इट डबल्स अब देखो यहां पे एक प्रोनाउन लगा है बेटा इट अगर मैं आपसे पूछूं ये इट प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है ये इट प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है ये के लिए तो आ नहीं सकता क्योंकि अम्यूजमेंट्स तो प्लुरल में लिखा हुआ है बेटा और के लिए इट आएगा हमारा किसके लिए फ्रेंडशिप के लिए यानी बी लाइन के बाद में बेटा सी लाइन आएगी पेयर बना लो बी के बाद में सी आएगा अब बी के बाद में सी इस ऑप्शन में था बी के बाद में सी इसमें नहीं है बेटा गलत है इसमें बी के बाद सी नहीं है गलत है इसमें बी से पहले सी है गलत है तो राइट आंसर बिल्कुल हमारा आसानी से क्या आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा खत्म ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कितने बच्चों ने किया वेरी गुड 67 परसेंट स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया बच्चे ठीक है मजा आ रहा है ना एक बात मुझे बताओ इंप्रूवमेंट लग रही है क्या आपको क्लास आप डेली लगाने आते हो है ना तो ऐसा नहीं कि मैं खड़ा हूं सामने तो आप कह दो कि हां जी सर लग रही है इंप्रूवमेंट दिल से बताना दिल से ऐसे दिल पे हाथ रख के बताना क्या आपको इंप्रूवमेंट लग रही है अपने अंदर क्या इस क्लास का आपको फायदा हो रहा है एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना सारे बच्चे ठीक है मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं आप सभी कमेंट करके बताओ दिल पे हाथ रख के है ना सरस्वती माता पे ऐसे कसम खा के कि मैं कसम खाता हूं जो मैं कहूंगा सच कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा ठीक है तो ऐसे करके आपने बताना है कि आपको इंप्रूवमेंट लग रही है सभी को लग रही है तो बताना नहीं लग रही तो स्पष्ट बोल देना कि सर कोई फायदा नहीं हो रहा आपकी क्लास का ठीक है ना चलो सारे बच्चे बताओ जल्दी से मैं इधर मुंह कर लेता हूं एक बार सर आप पढ़ते जाना ठीक है चलिए जी अगला क्वेश्चन आता है हमारा थर्टीन नंबर ये भी बेटा एक ईडियम है ये भी एक एडियम है इसमें लिखा है it rains, it pours. It rains, it pours. एक ईडियम है ठीक है चलो भाई जल्दी से बताओ सारे बच्चे बता दो वेरी गुड वेरी गुड सबको लग रही है तो सारे बच्चे तुम शेयर क्यों नहीं करते हो क्लास को ये बताओ मुझे अगर तुम्हें अच्छी लग रही है क्लास बढ़िया लग रही है इंप्रूवमेंट भी हो रही है तो सारे बच्चे तुम शेयर क्यों नहीं करते हो क्लास को छोड़ के तो आनी नहीं बेटा इंग्लिश छोड़ने वाली चीज ही नहीं होती यही तो तुम्हें गलती करते हो सबसे बड़ी तुम इस बार पेपर दे के आना और फिर आके मुझसे मिलना ठीक है फिर आके मुझसे मिलना कि बताना कि सर मजा आया क्या पेपर देने में नहीं आया क्लियर कट बात करेंगे क्लियर कट ठीक है हाँ बातें नहीं आती बेटा मुझे ज्यादा देखो मुझे वो गोल गोल वाली घुमाने वाली बातें नहीं आती मुझे जॉक्स करने नहीं आते मुझे और चीजें नहीं आती हैं लेकिन मुझे पढ़ाना आता है और मुझे ये पता है कि आपके काम की चीज क्या है ठीक है और आजकल बच्चा ना मैंने देखा है यूट्यूब पे बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता बस पढ़ने के अलावा सब कुछ चाहता है पढ़ने के अलावा उसको कुछ मर्जी दिखा दो यूट्यूब पे वो देख लेगा टाइम पास करना है देख लेगा लेकिन पढ़ाई करना हो ना जहाँ पे वहां पे दिक्कत आ जाती है वहां लाने ही पड़ते हैं बच्चे खींच खींच के आ जा बेटा आ जा पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले लेकिन जहां चल रहा है वहां ऐसे ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है कुछ भी कर लो लोग मैंने देखा है गेम खेलते हैं खेल रहा है, कोई बंदा अपने घर पे क्या मजा आ रहा है वो पबजी खेल रहा है वो उसको तो मजा आ रहा है चलो ठीक है वो तो खुद खेल रहा है जो पांच हजार लोग बैठ के उसको लाइव देख रहे हैं तुम्हें क्या मजा आ रहा है ऐसे लोग बैठे इंडिया के अंदर इतने फ्री लोग हैं हमारे देश में ठीक है कहता है जब बारिश होती है ना तब पोर हो जाता है कहता है जब बारिश होती है तो ये छत भी टूट जाती है।, है जब बारिश होती है तो ये छत भी साथ नहीं देती ये भी टूट जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ बताओ है बताओ 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 फटाफट कि बारिश हो गई और ऊपर से छत भी चोने लग गई तो इसका मतलब हुआ कि बारिश आई ये तो बुरी बात थी और उससे भी बुरी बात है कि छत भी चोरी है हमारी तो इसका मतलब हुआ प्रॉब्लम सीम टू हैपन टुगेदर कि समस्या जब आती है ना तो सब तरफ से आती है ठीक है समस्या जब आती है तो सब तरफ से आती है भाई कैरी मिनाटी देखना तुम तो एक वीडियो बनाऊंगा मैं बुचाल ला दूंगा ऐसे ये तुम्हारे कैरी मिनाटी ये तुम्हारा जो एक वो कौन है सिस्टम वाला क्या नाम है उसका वो सिस्टम सिस्टम करता रहता है क्या नाम उसका? है उसका छपरी सा वो वो जो बिग बॉस जीता था क्या नाम है उसका उसका नाम एलविश यादव हाँ एलविश यादव इनको लोग फॉलो करते हैं बताओ तो इनके तुम तो वीडियो देखना कभी ढंग से इनको लोग फॉलो करते हैं बताओ इनके फैन बने बैठे हैं आधी दुनिया कमाल करती है दुनिया देखो ठीक है आ जाओ कोई हंस के दिखा दे कोई डांस करके दिखा दे कच्चा बादाम करके दिखा दे लोग उसके रातों रात उसको पता नहीं स्टार बना देते हैं भाई रातों रात स्टार बनाते कच्चा बादाम वाली डांस के स्टार बना दिया रातों रात बताओ है देखो अगला क्वेश्चन देखो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कहता है गोपीनाथ एग्जिबिटेड हिज बॉक्सिंग स्किल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप एग्जीबिट वर्ड तो बेटा आपने बहुत बार सुना होगा बहुत बार पढ़ा होगा एग्जीबिशन एग्जीबिशन देखिए ना सबने एग्जीबिशन में, में क्या होता है बताओ एग्जीबिशन में क्या होता है एग्जीबिशन में चीजें रखी जाती है दिखाई जाती है शो किया जाता है कि ये देखो हमारे पास ये है है ना हमारे पास ये है ठीक है बच्चे तो एग्जीबिशन के अंदर चीजों को शोध किया जाता है दिखाया जाता है लेकिन हमें इसका बताना क्या है सिनोनिमी बताना है भाई सिनोनिम बताना है तो बिल्कुल आपके सामने आंसर लिखा हुआ जल्दी से एक बार टिक मार दो फटाफट से क्या आएगा जल्दी से सारे के सारे बच्चे बता दो क्या आंसर आएगा बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है फटाफट बताओ जल्दी से हां जी हां चलो फैन मत बनो बेटा मेरे भी मत बनो मैं तो सीधी सी बात करूं पढ़ाई इसके फैन बन जाओ इसके जिस दिन फैन बन गए ना तुम पढ़ाई के फैन बन गए ना उस दिन किसी के फैन बनने के की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें ठीक है है एग्जीबिशन का मतलब होता है किसी किसी को को शो करना किसी को कुछ दिखाना क्या दिखा रहा है अपने स्किल्स दिखा रहा है तो डिस्प्ले इज द राइट आंसर गेव का मतलब देना होता है नहीं पोर्ट्रे का मतलब चित्र बनाना होता है नहीं इनहेबिटेड भी नहीं तो राइट आंसर क्या आएगा डिस्प्लेड आएगा चलिए जी आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आ रहा है ठीक है आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आ रहा है सभी ने आंसर करना है लेकिन इसका आंसर भाई 82 परसेंट बच्चों ने सही किया है क्लैपिंग हो जाए एक बार बहुत बढ़िया ठीक है आ जाइए आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा पैरा जंबल का क्वेश्चन है फिर से आपके सामने एक मिनट का टाइमर आपके सामने लगेगा और सभी बच्चों ने यह आंसर करना है सारे के सारे बच्चे जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं सबने आंसर करना है चलो लास्ट आंसर करके जाना है सबने बेटा ऐसे कोई नहीं जाएगा करो करो बेटा सारे बच्चे आंसर करो जल्दी से वेरी गुड अगर बेटा वीडियो देखनी है आपको यूट्यूब पे तो दो यूट्यूबर हैं मैं आपको बताता हूं एक ध्रुव राठी का नाम आपने सुना होगा ध्रुव राठी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कोई तो इनकी वीडियो देखो ध्रुव राठी और एक चैनल है देशभक्त के नाम से देशभक्त इनको देखोगे ना आप कहोगे यार क्या ही देखते हैं हम यूट्यूब पे ठीक है ना हम यूट्यूब पे क्या ही देखते हैं ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह जल्दी जल्दी आंसर आंसर आंसर, आंसर फटाफट से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट वेरी गुड आंसर आ रहा है सभी का बी बी आंसर सबसे ज्यादा आ रहा है बीच बीच में कुछ इक्का दुक्का लोग सी और डी भी कर रहे हैं कुछ इक्का दोका लोग सी डी कर रहे हैं लेकिन ज्यादा लोग बी कर रहे हैं यार ज्यादा लोग बी कर रहे हैं तो देखते हैं क्या मसला क्या है मसला ये है बेटा मसला ये है फोन आ रहा है उठाना किसके ठीक है देखो यहां लिखा है देवर अब दे तो बेटा किसी प्लुरल चीज के लिए आएगा ये तो कंफर्म है दे तो किसी प्लुरल चीज के लिए आएगा प्लुरल चीज ढूंढो कौन है भाई प्लुरल चीज कहां है एक्सपर्ट मैकेनिक्लुरल है ना तो ए का पेयर डी बन सकता है उठा ले क्या ए का पेयर डी बन सकता है बिल्कुल बन सकता है इसमें ए के बाद डी नहीं है हटा दो इसमें ए के बाद डी है इसमें ए के बाद डी नहीं है हटा दो इसमें ए के बाद डी है लो जी या तो आपका आंसर ए आएगा या फिर आपका आंसर डी आएगा ये तो कंफर्म हो गया सॉरी या तो बी आएगा या डी आएगा ये कंफर्म हो गया यानी कि सी वाले तो बेटा चुपचाप करके बैठ जाओ आराम से तुम्हारा तो गलत हो गया ठीक है या तो बी आएगा या डी आएगा अब आ जाओ स्टार्ट किससे करना है बी से या सी से बी से अगर स्टार्ट करते हैं स्मॉल नट बैड फेलन इन टू ए चैनल विच प्रिवेंटेड द गियर फ्रॉम मूविंग और अगर सी से करें हाउस प्लेन वॉज फोर्स टू तो क्रैश लैंड इट्स लैंडिंग गियर गॉड स्टेट से तो स्टार्ट होगा यही से तो कहानी स्टार्ट हो रही है कि एक प्लेन था प्लेन के अंदर कोई गियर होगा पहले प्लेन की बात बताओगे कि पहले गियर के बारे में बताओगे अरे बेवकूफ इंसानो सी से स्टार्ट होना था सी से स्टार्ट होना था ऑप्शन नंबर डी आना था लुट गए लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन के अंदर सिक्सटी परसेंट बच्चों का आंसर गलत है सिर्फ ओनली ट्वेंटी एट परसेंट बच्चों का आंसर सही है ट्वेंटी एट का ठीक है जी हो गया क्वेश्चन डी आंसर आना था गलत कर दिया तुम लोगों ने ठीक है तो जिन बच्चों ने डी आंसर किया है उनका सही है जिन्होंने नहीं किया है उन सबका आंसर गलत है बच्चों तो ये थी आज की हमारी क्लास पंद्रह क्वेश्चन स्कोर सभी बताया करो अपना अपना स्कोर कितना रहा आज पंद्रह में से और सुबह आठ बजे वोकैबलरी का सेशन होता है वो जरूर लगाया करो सारे बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं दो क्लासे लगा लो इंग्लिश में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी एक परसेंट भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी ये मेरा आपसे वादा है ठीक है लेकिन दोनों क्लासेज आपने जरूर लगानी है सभी ने इस तरीके से प्यार देते हो आप इस क्लास के अंदर तीन सौ साढ़े तीन सौ बच्चे आप आ रहे हो डेली तो उसी तरीके से आप सुबह वाले सेशन को भी अटेंड किया करो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग धुंध के टाइम में हम घूमते फिरते आते हैं आठ बजे क्लास लगाने के लिए तो आपको तो घर बैठ के लगानी होती है रजाई के अंदर बैठ के आराम से मस्ती से क्लास लगाया करो और स्कोर देख लो भाई सारों का स्कोर इतना बढ़िया स्कोर है कोई बच्चा मुझे नहीं लगता कि फेल हुआ है सबके बारह तेरह चौदह नंबर आ रहे हैं इट मीन्स वी आर गोइंग टू अ राइट पाथ ठीक है हम एक बिल्कुल सही रस्ते पे जा रहे हैं और इसी तरीके से चलते रहना जब तक हमें अपनी मंजिल ना मिल जाए चलिए जी इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं एंड ओके बाय बाय टेक केयर गुड नाइट और अभी नौ बजे अरोड़ा सर आपको पढ़ाएंगे मैथ्स तो जिस जिसकी मैथ्स कमजोर है पहुंच जाओ सारे के सारे दूसरे स्टूडियो के अंदर अरोड़ा सर आपका वेट कर रहे हैं ठीक है सारे के सारे बच्चे क्लास लगाया करो मैथ्स की भी ओके बाय गुड नाइट